सो दिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ सीक्रेट सुपरस्टार के 17 डेज के कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शन जानकर आप जरूर खुश रहोगे। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको antiquebe.com पर, जहाँ पर कलेक्शंस आया है 2.96 करोड़। और 2.96 करोड़ का अगर मैं कन्वर्ट किया तो वो मुझे मिलता है 18.98 करोड़, यानी कि लगभग लगभग 19 करोड़। कलेक्शंस अपडेट होके शायद और बढ़ेगा 2-3 करोड़, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कलेक्शंस 18-19 करोड़ ही है। और आई होप देखते हैं क्या कलेक्शंस आता है आने वाले दिनों में। और अगर हम बात करें टोटल कलेक्शंस की, तो 90.03 मिलियन US डॉलर है, जिसे अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 577.47 करोड़। यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है मेरे ट्विटर पे आप सभी लोगों के लिए, चेक करना है तो 577.47 अकेले सिर्फ चाइना का है। और जिस हिसाब से फिल्म चल रही, बहुत जल्दी 100 मिलियन US डॉलर कर लेगी। चलिए कुछ और चीज़ जान लेते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए बाकी फिल्मों के हिसाब से, अभी भी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो सीक्रेट सुपरस्टार की ओर आ रही है। 59 लाख ऑडियंस आज भी आई, कल 63 लाख ऑडियंस थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल 63 लाख ऑडियंस थी, तो कलेक्शन जो हुआ था वो करीबन करीबन कुछ 30 करोड़ तक का था। तो मुझे डाउट है कि कलेक्शंस अपडेट होंगे और बड़ी तरह से अपडेट होंगे, क्योंकि जब इतनी ऑडियंस आई है और जब इतना बड़ा इतना महंगा प्राइस हो गया, मतलब पहले तो 4.5 डॉलर तक का था, अभी 4.98 डॉलर, तो मेरे ख्याल से कलेक्शन अपडेट ज़रूर होंगे। बट फिलहाल ये कलेक्शन हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन चला गया उसके बाद का ये कलेक्शन है। और अगर हम देखें टोटल, तो टोटल इतना आ रहा है 577.47 करोड़। अगर हम इस टोटल में 577.47 करोड़ अगर हम जोड़ लेते हैं इसके पहले का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो था 134 करोड़, तो टोटल आ रहा है 711.47 करोड़। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है किसका, सीक्रेट सुपरस्टार का अब तक का। यानी कि इस फिल्म ने ऑलरेडी 700 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। और जिस हिसाब से फिल्म चल रही है, बहुत ही जल्द ये दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी, एक तो बाहुबली 2 का और एक तो PK का। तो आपको कलेक्शंस कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।